सो हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली जी के गुरु। आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो 17th and 18th October के लिए रहेगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, ये जो वीडियोज़ होंगे ये सारे एग्जाम्स के लिए जिनमें जीके पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेली जीके हम लोग इसमें कवर करते हैं, डेली करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर। तो इंडिया का पहला सस्पेंशन ब्रिज जो है वो किस रिवर के अक्रॉस बनाया जा रहा है। तो ऑप्शंस है गोदावरी, गंगा, कृष्णा या फिर इंदस। तो इसका राइट आंसर है कृष्णा रिवर, ठीक है, इसके ऊपर बनाया जाएगा। ये क्या करेगा, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करेगा, और ये लमसम 80 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो कट डाउन कर देगा बिटवीन हैदराबाद एंड तिरुपति, ठीक है। इसके बीच में जो लोग जाते थे तो उनको जो है 80 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है और ज़्यादा नहीं कवर करना पड़ेगा, इससे ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा ही दिखेगा, प्रोटोटाइप है, कुछ ऐसा दिखेगा बनने हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड SGFI द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल। तो ये किनको अभी दिया गया है, तो ऑप्शंस हैं कपिल देव, विश्वनाथ आनंद, प्रकाश पादुकोण या फिर सानिया मिर्जा। तो राइट आंसर है प्रकाश पादुकोण, ठीक है, इनको जो है ये मेडल दिया गया है। अच्छा, बात करें प्रकाश पादुकोण की तो ये बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं अपने टाइम के, ठीक है, ये हैं प्रकाश पादुकोण, ठीक है। अच्छा, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में दीपिका पादुकोण हैं, उनके फादर हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक। तो एल्यूमिनियम फ्रेट रेक, ठीक है, ये इसको इनॉग्रेट किसने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी। तो ये इसका राइट आंसर है अश्विनी वैष्णव। अच्छा, अगर हम बात करें अश्विनी वैष्णव की तो ये यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज हैं, और ये जो एल्युमिनियम फ्रेट होगा, फ्रेट रेक्स होंगे, ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे ये होगा कि जो कंजम्पशन होगा फ्यूल्स का वो कम हो जाए, ठीक है, वो बहुत ही कम होगा और एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कह सकते हैं, बहुत ही असर डालेगा ये कह सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है उस पर भी, और एक तरीके से पॉल्यूशन से थोड़ा सा कम रहेगा, पॉल्यूशन इससे कम होगा, ठीक है। ये है अश्विनी वैष्णव, ठीक है, ये रेलवे मिनिस्टर है। सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल। तो इंटरपोल की 90th जनरल असेंबली जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। तो ऑप्शन है इंडिया, चाइना, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो राइट आंसर है इंडिया, इंडिया होस्ट करेगी। इसके पहले भी इंडिया ने ही होस्ट किया था, ठीक है, और इस बार फिर इंडिया ही होस्ट करेगा। अच्छा, बात कर रहे हैं इंटरपोल की तो इंटरपोल से रिलेटेड कुछ चीज़ें। इंटरपोल का फुल फॉर्म हो गया द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। और इसका जो गठन हुआ था वो 1923 में हुआ था। हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस लियोन में है, लियोन एक शहर है फ्रांस का, वहाँ पर है। और प्रेसिडेंट उसके अहमद नसर अल रैसी हैं, ये हैं अहमद नसर अल रैसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू स्लोवाक रिपब्लिकन। तो एम्बेसडर, फिर से एम्बेसडर के क्वेश्चन आए, इसके पहले भी हमने वीडियोज़ में एम्बेसडर के क्वेश्चन पढ़ रखे थे। तो इस बार एम्बेसडर टू स्लोवाक रिपब्लिक किनको बनाया गया है, किनको अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन है आदर्श सोएका, सीबी जॉर्ज, तरनजीत सिंह संधू या फिर अपूर्व श्रीवास्तव। तो राइट आंसर है अपूर्व श्रीवास्तव, इनको बनाया गया है। अच्छा, अगर हम ऊपर के ऑप्शंस में देखें तो अभी हमने हाल फिलहाल में इनके बारे में भी पढ़ा है, आदर्श सोएका जो हैं इनको बनाया गया है अम्बेसडर टू कुवैत, ठीक है, और सीबी जॉर्ज जो है इनको अम्बेसडर टू जापान बनाया गया है। और बात करें तरनजीत सिंह संधू की तो तरनजीत सिंह संधू जो हैं इनको अम्बेसडर टू US बनाया गया है, ठीक है, अपॉइंट किया गया है, सॉरी। अच्छा, बात करें अपूर्व श्रीवास्तव तो ये हैं अपूर्व श्रीवास्तव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज़ मैन एयर राइफल टीम हैज़ वॉन गोल्ड मेडल एट ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अच्छा, ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो शूटिंग से रिलेटेड है, इसका जो किस कंट्री ने जीता है इसको, मेंस एयर राइफल किसने जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन है इंडिया, इजिप्ट, चाइना या फिर जापान। तो राइट आंसर है इंडिया, ठीक है, इंडिया ने ये जीता है। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये कैरो
इजिप्ट में हुआ था, ठीक है, इजिप्ट में हुआ था। अच्छा, इंडिया ने जीता है तो मैच था किससे, इंडिया का टक्कर था किससे फाइनल्स में, तो ये था चाइना से, ठीक है, तो चाइना को बीट किया है। अच्छा, बात करें मेंस टीम में कौन कौन थे, तो ये तीन लोगों की टीम थी ये, और इसमें रुद्रांश पाटिल, किरण अंकुश जाधव और अरुण बबूटा, इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था और जीता भी था। अच्छा, बात करें इसी के साथ ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया की जो जो मेडल टैली है उसमें जो है इंडिया के 5 गोल्ड हो गए, 1 सिल्वर हो गया और 5 ब्रॉन्ज इंडिया ने जीता है। कुल मिला के 11 मेडल्स इंडिया ने जीता है, ठीक है। अच्छा बात करें मेंस टीम की, तो ये तीनों मेंस टीम में थे। कौन कौन थे, तो रुद्रांश पाटिल, किरण अंकुश जाधव और अर्जुन बबूता, ठीक है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर आएगा, ठीक है, एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, पहला स्टेट इंडिया में जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लॉन्च कर दिया है, तो ऑप्शन है उत्तराखंड, केरल, गुजरात या असम, तो राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इसको क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये उत्तराखंड में कहाँ पे, देहरादून में किया, और ये 2022-23 सेशन के लिए होगा, और इसने जो है जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986 की उसको रिप्लेस किया है, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो थी उसको रिप्लेस किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। तो उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर जो है वो गुरमीत सिंह है, और कैपिटल जो है विंटर में देहरादून है, समर में गैरसेन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच स्टेट हैज़ एबॉलिश कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट हटाने वाला कौन सा स्टेट बना है, ठीक है, अभी किस स्टेट ने कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट को ख़त्म ही कर दिया है, तो ऑप्शन है ओडिशा, केरल, गुजरात या फिर असम, तो इसका राइट आंसर है ओडिशा, ठीक है। इस बीच हम लोग देख रहे हैं ओडिशा बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रहा है, ठीक है, तो ओडिशा इसका राइट आंसर है। और हम बात करें ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट जो है, ठीक है, उसको ओडिशा ने अबॉलिश कर दिया है, और लमसम 57,000 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो थे उनको जो है रेगुलर बनाने की इसमें प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो ओडिशा की बात है तो सीएम जो है वो नवीन पटनायक हैं, गवर्नर जो है वो गणेशी लाल हैं, और कैपिटल भुवनेश्वर है, ठीक है, गवर्नर इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, 9th क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, 17th प्रवासी भारतीय दिवस टू बी हेल्ड एट, तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर होगा, तो ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, मुंबई या फिर दिल्ली, तो राइट आंसर है इसका इंदौर में होगा, ठीक है, इंदौर में होगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा, ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्यों जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जो भी ओवरसीज इंडियंस होते हैं, इंडियन कम्युनिटी होती है, उनकी कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में, ठीक है, उनको कह सकते हैं एनकरेज करने के लिए और उनको सम्मानित करने के लिए इसको मनाया जाता है, और ये हर साल 9th जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, तो इस बार जो है वो 9th जनवरी 2023 में मनाया जाएगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, कहाँ पर, इंदौर में, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा रहा करंट अफेयर आज का। अच्छा, हमने एक सेगमेंट और जोड़ा है कि जो भी प्रीवियस वीडियो के जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन, और उसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है विच स्टेट हैज़ टॉप पब्लिक अफेयर इंडेक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए इसको पूछा भी है। तो अगर आपको पता हो कि किस स्टेट ने जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है उसमें टॉप किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।